नाथद्वारा नगर में बहती यमुना स्वरूप बनास नदी के 100 साल पुराना पुल देख रेख के अभाव में जर्जर व्यवस्था में पहुंच गया है। साथ ही बहती बनास नदी में गंदगी से लोगों का पुल से निकलना दुश्वार हो चुका है। साथ ही नगर के समाज सेवी लोगों से जानकारी प्राप्त करने पर बताया गया कि नाथद्वारा नगर में बनास नदी को बने 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया, जिस पर बनास नदी के पार बसे सैकड़ों हजारों लोगों का आवागमन बना रहता है। साथ ही सभी प्राइवेट स्कूल बसों का इसी बनास नदी पुल से गुजरती है, जिसके चलते बनास पुल पर कंपन पैदा होती है, जिसको लेकर नगर के समाज सेवी संगठन मंच मोर्चा सहित राष्ट्रीय पार्टियों के पदाधिकारियों द्वारा संबंधित अधिकारी नेता मंत्रियों को अवगत करवाने के उपरांत भी ढाक के 3 पात्र हैं। साथ ही बनास नदी पोल हिलने के साथ पीपल बड़ नीम सहित कई पेड़ उगाए हैं, जिनके देखरेख के अभाव में दिन प्रतिदिन बनास नदी पोल जर्जर होता जा रहा है, जिसकी जानकारी संबंधित विभाग मंत्री व राजनेताओं को जानकारी होने के बावजूद भी शायद किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार में है। शायद संबंधित विभाग व प्रशासन के आला अधिकारी इस ओर कोई ध्यान ही नहीं देना चाह रहे।